हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त निशान संधु एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो अपना पैन कार्ड है उसको अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको फ्रेंड्स पता ही है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको अपना जो पैन कार्ड है उसको आपके आधार कार्ड से लिंक करना बिल्कुल ज़रूरी कर दिया गया है। अगर आप लास्ट तारीख से पहले पहले इसको अगर आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते तो आपका जो पैन कार्ड है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो उसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपकी काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको ये दो मिनट का प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल से ही सिर्फ दो मिनट में अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर जाकर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ई फिलिंग लिख कर सर्च करना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले जो वेबसाइट आ जाएगी www.incometaxindiaefilling.government.in। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्रॉस पर क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये जो नीचे लिंक दिए गए हैं क्विक लिंक्स, उसके उसमें सबसे ऊपर वाले लिंक आधार पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये जो ऐसा इंटरफेस है आपके सामने खुल जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पर जो सबसे पहला बॉक्स है यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का जो नंबर है वो डालना है, बिल्कुल सही नंबर डालना है। सेकंड नंबर पर आपको आधार नंबर डालना है एंड थर्ड पर आपको जो है अपना आधार नेम डालना है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। बिल्कुल आपको एग्जैक्टली बिल्कुल मैच करके वैसा ही नेम लिखना है। उसके बाद फ्रेंड जहाँ पर लिखा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, अगर आपके आधार कार्ड पर आपके बर्थ का ओनली ईयर लिखा है तो आपको इसको टिक करना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विद UIDAI यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको जो कैप्चा है इसको कंप्लीट करना है, लिखना है जैसे कि ऊपर लिखा गया है इमेज में दिया गया वैसा ही कैप्चा जो है वो नीचे डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने जो आधार पैन कार्ड है उसको ऑलरेडी आधार कार्ड से लिंक कर लिया है। तो अभी मेरा जो पैन कार्ड है वो लिंक हो चुका है आधार कार्ड से। तो चलिए मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि आप अपना जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक हो चुका है या नहीं। तो ये ऊपर जहाँ पर ये लेफ्ट साइड पर जो क्लिक हियर आ रहा है ना, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, आपको इस यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर डालता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। पर अभी मैं व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये देखें जैसे कि यहाँ पर लिखा गया यूअर पैन इज लिंक टू आधार नंबर, तो मेरा जो पैन कार्ड है वो मेरे आधार से जो है इंस्टेंटली लिंक हो चुका था। तो यहाँ पर अभी मेरे स्टेटस में लिखा भी आ रहा है कि यूअर पैन इज लिंक टू आधार नंबर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा टास्क है, सिर्फ एक या दो मिनट आपके लगेंगे और आप अपने मोबाइल से ही अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी अभी आज लास्ट तारीख है, तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी आज ही अपने पैन कार्ड को जो अपने आधार कार्ड से लिंक कर लें, नहीं तो उसके बाद जो आपके पैन कार्ड की वैल्यू है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।